हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल। पर्पल पे चल रही है स्किन टास्टिक सेल 1 जून से लेके 6 जून तक के। आज लास्ट डेट है। आपको स्किन प्रोडक्ट्स पे 50% तक के ऑफ मिल जाता है, तो ज़रूर डेफिनेटली जाके आप चेकआउट करें पर्पल को। सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ग्रीन टी का फेस वॉश। तो ये मुझे फ्री में रिसीव हुआ था। मैंने जब सेकेंड एलाइंट मेंबरशिप ली थी तब मुझे ये प्रोडक्ट फ्री में रिसीव हुआ था, पर बहुत ही अमेजिंग ये प्रोडक्ट है। और वैसे भी समर में ग्रीन टी वगैरह के फेस वॉशेस यूज करने चाहिए। जब भी आप पर्पल पे ह्यूज शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स एज अ फ्री भी रिसीव होते हैं। तो ये मेरी वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं, मैंने सारे प्रोडक्ट्स खुद परचेज किए हैं। और मुझे कौन कौन सी फ्रीबीज रिसीव हुई हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसे जरूर जाके फॉलो करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्रोडक्ट मुझे 120 ml का मिला था और इसकी MRP 195 है, बट डिस्काउंट रेट पे आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। प्रोडक्ट है मेरे पास गुड वाइब्स का पपाया फेस स्क्रब। तो इसका मैंने फेस मास्क यूज किया है, फेस स्क्रब नहीं यूज किया है। ये फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया है और बिल्कुल न्यू है, मैंने अभी इसे ओपन भी नहीं किया। आपके सामने मैं ओपन करके दिखा रही हूँ इसे। तो वैसे भी पपाया आपके के डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। तो आपको पपाया से रिलेटेड फेस वॉश, स्क्रब, फेस पैक समर में यूज़ करने चाहिए। मेरे पास है गुड वाइब्स का रोज़ फेस पैक। ये मैंने ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, पर गुड वाइब्स के मैंने और फेस पैक यूज़ किए हैं, जैसे चारकोल फेस पैक, पपाया फेस पैक, तो उससे काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको भी ये बाय करना है तो मैंने इन सब के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड फेस क्रीम ऑर्डर की थी। तो ये 30 ग्राम का प्रोडक्ट इसमें मिल जाता है आपको। इसकी MRP 75 rupees है, पर आपको ये रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। इसको नहीं यूज़ किया, जब यूज़ करूँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे गुड वाइब्स के टोनर। तो टोनर को ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि ये आपके लार्ज ओपन पोर्स को रिड्यूस करते हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं इस समर में। मैंने गुड वाइब्स के काफ़ी सारे टोनर यूज़ किए हैं। रोज़ ग्लो टोनर यूज़ किया है, एवोकाडो टोनर यूज़ किया है, और ये ग्रीन टी टोनर की सेकेंड बॉटल है, रोज़ हिप की सेकेंड बॉटल है। तो मुझे टोनर्स गुड वाइब्स के बहुत पसंद है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं। तो ज़रूर टोनर को अप्लाई करें अपनी स्किन केयर रूटीन। मेरे पास गुड वाइब्स का रोज़ हिप फेस सीरम। ये पर्पल ऐप का बेस्ट सेलर फेस सीरम है। तो अगर आपकी एज 30 से अबव है तो आपको अपने स्किन केयर में फेस सीरम ज़रूर ऐड करना चाहिए, वो आपके फाइन लाइंस को रिमूव करता है। फेस सीरम बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत जल्दी आपके स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है, तो आपको हैवीनेस बिल्कुल भी नहीं लगेगी। समय में मैंने कुछ अप्लाई किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील होगा। तो ये मुझे जो फेस सीरम है ये फ्री में मिला था, एज अ फ्री भी। इसके साथ एक ड्रॉपर आता है, तो इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ईजी है। मेरे पास प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का रोज हिप फेस जेल। तो रोज हिप की पूरी रेंज मैंने ट्राई की है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इस समर सीजन में आप फेस जेल यूज़ कर सकती हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये गुड वाइब्स का सैफ्रॉन डे क्रीम यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि मेरी ना मई से पहले स्किन काफ़ी ड्राई रहती है। उसके बाद मई के बाद जो चिपचिपी सी गर्मी होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टी जोन पे ऑयल आने लगता है, तो मैं उस टाइम पे जेल यूज़ करती हूँ और उससे पहले मैं क्रीम बेस्ड ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बाय किया है लिप बाम। तो एक मेबलिन का बेबी लिप बाम है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, ईज़िली आप इसे कैरी कर सकते हैं। और ये भी थोड़ा सा टिंटेड है, पिंक टिंट आता है इसको जब भी अप्लाई करते हैं लिप्स पे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बायोटीक का बायो फ्रूट लिप बाम। तो इसका ट्रांसपेरेंट वाला मैंने पूरा टब यूज़ कर रखा है। ये थोड़ा सा मैंने बायो फ्रूट वाला मैंने मंगवाया, ये भी थोड़ा सा टिंटेड है, इसमें भी थोड़ा सा पिंक कलर आता है जब आप इसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बाय किया है गुड वाइब्स का ऑरेंज ब्लॉसम शावर जेल। तो इसका लैवेंडर वाला मैंने शावर जेल यूज़ किया था गुड वाइब्स का, काफ़ी अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस थी। अगर आप भी शावर जेल यूज़ करना पसंद करते हैं तो गुड वाइब्स की रेंज ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास डव का रोल ऑन। तो ये इरफान ने मुझसे मंगवाया, क्योंकि उसकी जो नीवा वाला रोल ऑन था वो टूट गया था, तो ये मैंने उसको न्यू बाय करके दिया है, डव का है। तो उसको रोल ऑन लगाना बहुत पसंद है अंडर आर्म में। तो वैसे बच्चे छोटे होते हैं, उनको परफ्यूम वगैरह नहीं लगा सकते,
तो क्योंकि उसकी जो फ्रेगनेंस होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो ये जो रोल ऑन होते हैं इनकी काफ़ी माइल्ड फ्रेगनेंस होती है, तो उसे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उसने ऑर्डर करवाया था मुझसे। नेक्स्ट मेरे पास ये लिपस्टिक है, तो ये 2 NYB की है और 1 Wet n Wild की है, तो मुझे ये फ्रीबी में मिली है, रिसीव हुई है लिपस्टिक, तो उसके स्वाचेस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास इनसाइड का ड्यू 2-in-1 स्टिक। एक तरफ आपको इसमें हाइलाइटर मिल जाता है और दूसरी तरफ आपको इसमें काउंटोरिंग के लिए मिल जाता है, और काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है। तो ये देखिए काउंटोरिंग शेड है, और नेक्स्ट है यहाँ पे हाइलाइटर शेड, सिल्वर में मिलता है आपको। तो आपको अगर ये मेरा हॉल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।